हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका कोलते आप सबका मैथ्स लर्निंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बेसिक कैलकुलेशन की ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप वेजिटेबल मार्केट में मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब हमें मार्केट में 500 ग्राम एंड 250 ग्राम की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो हम उसे आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन हमें 125, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम जैसे अलग अलग ग्राम्स की अगर वैल्यू निकालने को कहा जाए तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही अलग अलग ग्राम्स की वैल्यू कैसे तुरंत निकाल सकते हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में गए और वहां पे 30 रुपीज किलो दूधी मिल रही है और आपने जो दूधी सिलेक्ट करी उसका वजन 350 ग्राम है तो आपको दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हम थोड़ा बेसिक रूल सीख लेते हैं। हमें सबको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल है, हमेशा हमें 1000 ग्राम को 50 ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। और 50 ग्राम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अलग अलग तरीके हैं, यहाँ पे देखेंगे। तो जब 1000 ग्राम है तो उसे हम 20 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 को यहाँ पे हमें 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें 50 ग्राम मिलेगा। वैसे ही 500 ग्राम को अगर 50 ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 2 मेथड है। सबसे पहले तो हम 500 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 500 को 10 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमें 50 ग्राम की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेकंड है, 200 ग्राम को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करें तो हमें 50 ग्राम की वैल्यू मिलेगी, या फिर हम उसे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही 100 ग्राम हो तो उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करेंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जब हमें 50 ग्राम की वैल्यू मिल जाती है तो फिर क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि 30 रुपीज किलो दूधी है और हमें 350 ग्राम दूधी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 30 रुपीज। यहाँ पे हमें 1000 ग्राम को 50 ग्राम में कन्वर्ट करना है। हमने आगे देखा वैसे 1000 ग्राम को अगर 50 ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसे 20 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम ग्राम को 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू को भी 20 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 1000 को 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 50 ग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे 30 डिवाइड बाय 20, तो 0 0 कैंसल, तो यहाँ पे होगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 रुपीज। ये हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन अगर मेंटली कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे? तो 30 है तो 30 डिवाइड बाय 20 करना है। 20 का मतलब क्या होगा? 2 into 10 है, इसका मतलब हमें सबसे पहले ऊपर जो संख्या दी गई है उसका हाफ करना है। तो 30 का हाफ कितना होगा? 15। तो 15 डिवाइड बाय 10 है, तो जब हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5, यानी कि हमें पीछे से एक पॉइंट कट करना है। तो यहाँ पे 50 ग्राम की वैल्यू हो गई 1.5 रुपीज। और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 45 है, तो 45 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? तो 45 का अगर हम हाफ करें तो हमें मिलेगा 22.5 और डिवाइड जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 तो है, तो 22.5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2.25। वैसे ही हम कोई भी नंबर को 20 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब 50 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 350 ग्राम की। अब हमारा सेकंड रूल होगा, तो हमें सेकंड रूल देखना है कि हमें 5 का टेबल याद करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 का टेबल ही क्यों, तो 5 के टेबल को हम आसानी से 50 के टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 1 5 को अगर हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लगा दे तो 50 1 50, 50 2 100, 50 3 150, 50 4 200, 50 5 250, 50 6 300, जैसे हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
लेकिन हमें 50 का टेबल याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ 5 का टेबल याद रखना है। किस लिए? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें 50 ग्राम तो मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 50 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 350 मिलेगा। तो 5 7 35, तो हमें 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 50 ग्राम को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी जो वैल्यू है 1.5, उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 350 ग्राम। और यहाँ पे हम 15 7 105, यहाँ पे एक पॉइंट कट किया है इसीलिए यहाँ भी हम एक पॉइंट कट कर देंगे, इसीलिए हमारे 350 ग्राम की वैल्यू होगी 10.5 रुपीस। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 50 रुपीस किलो पपीता है और आपने जो पपीता सिलेक्ट किया उसका ग्राम, उसका वजन 800 ग्राम है, तो हमें उसे कितने रुपए देने होंगे? ये तो फर्स्ट रूल है हमारा, जो किलो है उसे हम सबसे पहले तो 50 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 kg = 1000 ग्राम। एक किलो की वैल्यू आपको दी गई है 50 रुपीस। चलो इसको हम 20 से दोनों बाजू डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 ग्राम = 50 / 2, तो 25 का जो हाफ, सॉरी 50 का हाफ होगा 25 और एक पॉइंट कट करेंगे 2.5 रुपीस। तो यहाँ पे आपकी 50 ग्राम की वैल्यू हो गई 2.5 रुपीस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 50 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 800 होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो 1 to 10 नंबर में तो हमें 80 मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें 5 का टेबल लेना है, लेकिन 11 to 20 तक। तो यहाँ पे 5 16 80 हो रहा है, यानी कि हमें 50 ग्राम्स को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम ग्राम को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 2.5 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मेंटली कैलकुलेशन करना है तो हम पेन पेपर तो लेके बैठने वाले नहीं 25 एंड 16 करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपको 25 और 16 दोनों में से किसी एक का टेबल आता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 25 को देखेंगे, 25 4 100, 25 8 200। तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 8 यानी कि 4 × 2 = 200, यानी कि यहाँ 4 का डबल हुआ है। वैसे ही 25 8 × 2 करें तो हम 200 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 16 400। यहाँ पे 25 16 का टेबल डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 400। यहाँ पे एक पॉइंट है तो पीछे से हम एक पॉइंट कट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 800 ग्राम की 40 रुपीस। लेकिन सपोज आपको 25 का टेबल नहीं आता है और 16 का टेबल आता है तो हमने स्टैंडर्ड 6-7 के अंदर जो मेथड सीखी थी वो देख लेते हैं। 16 है तो 25 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 16 × 20 + 5। तो हम सबसे पहले 16 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका एडिशन करेंगे। तो 16 2 360 + 16 5 = 320 and 16 5 = 80। यहाँ पे हम देखेगा 320 + 80 = 400। 400 आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट कट करना है तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंट कट कर देंगे। इसीलिए अगर हमें दोनों में से किसी का भी टेबल पता हो तो हम आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल है, 15 रुपए का 250 ग्राम अगर हमें हरा धनिया मिल रहा है और हमने जो बंच सिलेक्ट किया है उसका वजन 750 ग्राम है तो हमें उसे कितने रुपए देने होंगे? तो यहाँ पे 2 मेथड से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो 25 का अगर आपको टेबल आता हो तो आप आसानी से कर सकते हो, हमें पता है 25 3 = 75। तो वैसे ही अगर हम 250 ग्राम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 750 ग्राम की वैल्यू मिल जाएगी। तो 250 ग्राम की हमारी वैल्यू है 15 रुपीस।
यहाँ पे हमने 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए हम 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 3 इज इक्वल टू 45 रुपीज। लेकिन अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता है तो हमारे फर्स्ट मेथड, हम जो ग्राम है उसको 50 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 250 ग्राम की वैल्यू है 15 रुपीज। तो इसे अगर 250 को हमें 50 में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसे 5 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 250 को 5 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू को भी 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे होगा 50 ग्राम इज इक्वल टू 3 रुपीज। अब यहाँ पे देखेंगे तो 50 ग्राम को हमें 75 ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, फिर से टेबल देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 × 15 = 75। तो यहाँ पे हम 50 की जो वैल्यू है उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसकी जो वैल्यू है उसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 15 × 50 = 750 ग्राम = 45 रुपीज। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आजकल हमें मॉल में जाने का बहुत क्रेज है, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। 35 रुपीज का 350 ग्राम फ्रोजन पीस का हमें पैकेट मिल रहा है, तो अगर हमें उसकी 1 kg की प्राइस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 350 ग्राम को 50 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपको दिया गया है 350 ग्राम की वैल्यू है 35 रुपीज। 350 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 7 से डिवाइड करना होगा। जब हम 350 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 50 ग्राम, और 50 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 5 = 35 = 5 रुपीज। तो हमारी 50 ग्राम की वैल्यू हो गई 5 रुपीज। अब हमें पता है कि 1 kg = 1000 ग्राम, तो हमें जो 15 ग्राम है उसे 1000 ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसे हम 1000 को 50 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 20 से डिवाइड करते थे, वैसे ही 50 ग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम उसके ग्राम को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसे भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 50 × 20 = 1000 ग्राम = 5 × 20 = 100। यहाँ पे हमें 1 kg पीस की वैल्यू होगी 100 रुपीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।